dear students, welcome back to this English class and today we will be dealing with lesson 2 of English. इससे पहले हमने lesson 1 we have completed. Okay, that is answer to a child's question. अब हम lesson 2 पे focus करेंगे and the topic is as you can see in the screen, that is the proof of honesty. Okay, क्या है हमारा topic? The proof of ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी का सबूत. प्रूफ मीन्स सबूत. ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे तेनालीरामा के बारे में बताया गया है. ओके, तेनालीरामा क्या है? एक राज्य है, एम्पायर होता है, दैट इज विजयनगर. ओके, विजयनगर के एक एम्पायर होता है जिसमें कृष्णदेवराय राजा होते हैं. उनके जो कोर्ट होते हैं जो राजा शासन में जो कोर्ट हुआ करता था, जैसे अभी कोर्ट होता है वैसे ही राजा शासन में भी दरबार होती थी. तो वहाँ पे तेनालीरामा एज तेनालीरामा काम किया करते थे. ओके, और तेनालीरामा को इसीलिए जाना जाता था क्योंकि कैसा भी प्रॉब्लम्स हो वो अपनी बुद्धि यूज़ करके, विजडम यूज़ करके उस जो भी मैटर्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते थे, क्योंकि वो बहुत ही क्या थे, बुद्धिमानी थे. तो उनको उनके नॉलेज के लिए बहुत जाना जाता है. ओके, तो ये स्टोरी उसी उन्हीं तेनालीरामा के बारे में है. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन. Many countries were jealous of Tenali Rama. Sorry, many courtiers were jealous of Tenali Rama. Courtiers means जो दरबार में जो राजा शासन हुआ करता था, जिसमें दरबार लगता था, जिसमें कोर्ट होता था राजा का, वहाँ पर जो लोग काम करते थे उनको बोलते हैं courtiers. Okay? तो many courtiers were jealous of Tenali Rama. वो तेनालीरामा को क्या करते थे, वो jealous होते थे. ओके, वो जेलस होते थे तेनालीरामा से. दे नेवर मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी टू ट्राई एंड पॉइजन द किंग्स माइंड अगेंस्ट तेनालीरामा. वो लोग क्या करते थे, हमेशा राजा के कान में ये डालते थे कि तेनालीरामा बहुत खराब है, ये है वो, तेनालीरामा के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें, जो है ही नहीं है, जो सच्ची नहीं है, वैसी बातें दे यूज टू पोक टू किंग. ओके, किंग के दिमाग में वो लोग हमेशा भरते रहते थे और वो कभी भी ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका नहीं छोड़ते थे कि वो किंग के दिमाग में तेनालीरामा के खिलाफ कुछ ना बोल दे. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. दे ऑफन कंप्लेंड अबाउट तेनालीरामास करप्शन. कंप्लेंड यानी कि क्या करना, कंप्लेन करना. वो ज़्यादातर किंग से तेनालीरामा के बारे में कंप्लेन किया करते थे. और क्या कंप्लेन करते थे, करप्शन के लिए. करप्शन मतलब क्या होना, डिसऑनेस्ट होना, डिसऑनेस्ट होना या फिर घूस लेना. ओके, पैसे लेके काम करना होता है ना, डिसऑनेस्ट होना या पैसे लेके काम करना. तो उस इसके रिगार्डिंग जो कॉर्टियर्स थे वो राजा के दिमाग में ये भरते रहते थे कि तेनालीरामा लोगों से पैसा लेते हैं काम करने के लिए, तेनालीरामा बहुत डिसऑनेस्ट है, वो ऑनेस्टी के साथ ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके खिलाफ काम करता है, ऐसा कुछ वो बोलते थे. दे यूज टू स्पीक अबाउट द तेनालीरामा. The king got tired of hearing the same complaints again, and the courtiers used to complain about Tenalirama again. Okay, हमेशा वो लोग कंप्लेन करते ही रहते थे. That's why the king was very much tired. अब किंग क्या हो गए थे, बहुत थक गए थे तेनालीरामा के बारे में सुन सुन के. Very often it happens that if a lie is consistently repeated, one begins to believe it as the truth. ऐसा ज़्यादातर होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ बार बार सुनते, चाहे वो झूठ हो, लेकिन अगर हम उसको बार बार repeatedly सुनते हैं तो हम उसको सच मानने लगते हैं. Consistently मतलब repeatedly. ओके, तो जब हम रिपीटेडली इसको कोई चीज़ को सुनते, चाहे वो झूठी हो, हम उसको सच मानने लगते हैं. दैट हैपन्ड विद द किंग टू. और ऐसा ही उस राजा के साथ यानी कि कृष्णदेवराय के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो कॉर्टियर्स थे दे यूज टू कंप्लेन अबाउट तेनालीरामा अगेन एंड अगेन. दैट्स वाई ही ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग अपन द कॉर्टियर्स. तो कॉर्टियर्स जो बोल रहे हैं वो बिलीव वो करने लग गए थे.
One day when he was very upset with the complaints, जब एक दिन क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे ये सुन सुन के तेनालीरामा के बारे में. He said to तेनालीरामा, उसने तेनालीरामा से बोला, Why do I get so many complaints accusing you of corruption? मुझे क्यों तुम्हारे corruption, यानी कि तुम्हारे घूस लेने की बात, तुम्हारे dishonesty की बात क्यों बार बार मुझे सुनने को मिलते है? Why this is happening? Tomorrow morning when the court assembles, you will have to prove your honesty. कल जब दोबारा से ये कोर्ट लगेगी, असेंबल मतलब जो जब जब दोबारा से कोर्ट में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सारे कोर्टियर्स आ जाएंगे, तो मैं सबके सामने अपनी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी क्या करनी होगी, प्रूफ करनी होगी, ईमानदारी का सबूत देना होगा. If you fail to do so, you will have to resign. अगर तुम अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें क्या करना होगा, अपने जॉब से रिजाइन करना होगा. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज. अब आगे क्या होता है, लेट अस चेक इट आउट. ओके, तेनालीरामा joined his hands and said meekly. तेनालीरामा ने क्या किया, हाथ जोड़े और meekly मतलब उन्होंने slightly धीरे धीरे slowly बिना कुछ अपना anger दिखाए हुए gently उन्होंने बोला, All right your majesty, ठीक है महाराज, all right जैसा आप बोले. The jealous courtiers were overjoyed. जब उन्होंने ये बोला, तेनालीरामा ने बोला कि ठीक है, tomorrow I will prove my honesty. तो सारे जो courtiers थे वो क्या हो गए, overjoyed मतलब वो खुश हो गए. They thought now तेनालीरामा will have to go. उन्होंने क्या सोचा, अब तेनालीरामा को यहाँ से जाना होगा, ये सोच के वो लोग क्या हो गए, बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि वो लोग चाहते ही थे कि तेनालीरामा यहाँ से चले जाए. ओके, The next morning when the court assembled, everyone was waiting impatiently for Tenali Rama. अगले दिन जैसे कि बात हुई थी, अगले दिन जब सारे कोर्ट में सारे लोग आ गए, सब तेनाली रामा का वेट कर रहे थे. ओके, बट इंस्टेड ऑफ तेनाली रामा हिज अटेंडेंट केम. लेकिन वहाँ पे तेनाली रामा नहीं आया, तेनाली रामा के जगह में उसका असिस्टेंट वहाँ पे आया. ओके, टीयर्स वेर रोलिंग डाउन हिज चेक्स विद अ हैवी हार्ट, ही वॉक्ड अप टू द किंग एंड गेव हिम अ लेटर. जब वो आया, क्या हुआ, उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था और वो बहुत ही हैवी हार्ट के साथ वहाँ चल के आया और उसने एक लेटर किंग को हैंड ओवर किया. ओके, द किंग बिगेन टू रीड द लेटर. नाउ वाट हैपन्स, एज सून एज द किंग गॉट द लेटर, ही स्टार्टेड रीडिंग द लेटर. Your Majesty, I have served the kingdom with utmost sincerity and honesty. महाराज, मैंने इस राज्य को बहुत ही अपने सिंसियरिटी के साथ, मैंने ईमानदारी के साथ अपना काम किया था. But in spite of my honesty and integrity, I have been accused of corruption. लेकिन इतना करने के बाद भी, इतना ईमानदार होने के बाद भी मुझे क्या मिला, करप्शन का धब्बा मेरे ऊपर लग गया कि मैं घूस लेता हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ, ऐसा मुझे बोला गया. ओके, वाट इज द पॉइंट ऑफ लीडिंग सच अ टेंटेड लाइफ. और ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है, टेंटेड मतलब दूषित, पोल्यूटेड लाइफ जीने का क्या मतलब है, जहाँ पे मुझे लोग करप्टेड बोलते हैं, जहाँ पे लोग मुझे ईमानदार ना होने की बातें बोलते हैं, ऐसी लाइफ जीने का क्या मतलब है. सो आई एम एंडिंग माई लाइफ बाई ड्रिंकिंग पॉइजन, इसीलिए मैं अपना जान दे रहा हूँ, मैं पॉइजन खा रहा हूँ. ओके, आई डू नॉट ब्लेम एनी वन फॉर दिस, और मैं किसी को भी इसका जिम्मेवार नहीं मानता, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं किसी को नहीं मानता. I hope you will forgive me. और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे forgive कर देंगे कि मैंने अपनी जान ले ली है. Yours faithfully, तेनाली रामा. ओके, तो तेनाली रामा ने क्या किया, एक लेटर भेजा जहाँ पे उसने क्या लिखा था कि जहाँ पे मैंने आपके किंगडम को, अपने किंगडम को बहुत ही ईमानदार के साथ सर्व किया है, काम किया है, बहुत ऑनेस्टी दिखाई है मैंने, फिर भी मुझे लोगों ने क्या किया, करप्शन का नाम दे दिया, करप्शन का थप्पा मेरे ऊपर लगा दिया. सो नाउ आई डोंट वांट टू लिव दिस सच काइंड ऑफ पोल्यूटेड लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग माई लाइफ, और मैं पॉइजन खा रहा हूँ. ये लेटर उसने क्या किया, राजा को पहुँचा दिया. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ेंगे आज, द रिमेनिंग पोर्शन वी विल Completed in the next class. Okay, I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई हो. Have a good day.